Good morning, students. Good morning, parents. I'm Rashmi, your English teacher. So today we will discuss about the exercise of doing words. हम doing words की exercise discuss करेंगे and solve करेंगे. But before doing the exercise, let's revise this. A doing word tells us what someone or something does. So, doing word क्या करता है, ये बताता है कि something या someone क्या कर रहा है, ठीक है. Doing word is also called an action word or a verb. और इसको हम action word या verb भी कहते हैं. जैसे कि हम एक दो example दे सकते हैं. The child dances well. तो child बहुत अच्छे से dance करता है, तो क्या करता है, डांस करता है. इस तरह से ये वर्ब्स होंगी. सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म डूइंग वर्ड्स. हमें इन लेटर्स को अनस्क्रैम्बल करना है, यानी कि ये जो लेटर्स हैं ये ऑर्डर में नहीं है. ये लेटर्स ऑर्डर में नहीं है, मीनिंग कि इनका कुछ वर्ड बन सकता है, बट ये वर्ड जो बनेगा ये लेटर्स को रीअरेंज करने पर बनेगा. जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसको हमने रीअरेंज किया है और उसके बाद इसका वर्ड बना है लिसन. हो सकता है कि इसका एक से ज़्यादा वर्ड बने, एक से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स इसके बन सके, उसको हम बोलते हैं अनस्क्रैम्बल करना. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक क्वेश्चन हमें ऑलरेडी किया हुआ है. सो सेकेंड वाला करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज के एन सी ओ एन के, है ना. तो हम कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे इन कितने लेटर्स हैं, इन फाइव लेटर्स से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, क्या कोई वर्ड इनसे मीनिंगफुल बन सकता है जिसका कुछ मीनिंग हो. अब ये तो कोई वर्ड नहीं है, ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी. सो इसका कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं. तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कॉन्सोनेंट आए. कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल्स आते हैं. जनरली वॉवल्स से बहुत कम वर्ड शुरू होते हैं, जनरली कॉन्सोनेंट आते हैं, देन वॉवल कॉन्सोनेंट. इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है. तो यहाँ पर इससे बनने वाला है नॉक. नॉक इज एन एक्शन वर्ब या डूइंग वर्ड. नॉक मीन्स होता है जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं तो हम डोर पर नॉक करते हैं. नॉक नॉक, है ना, नॉक नॉक करते हैं, वही होता है नॉक, ठीक है. और जो पहला वाला है ये फर्स्ट लिसन, ये भी एक डूइंग वर्ड है. लिसन मीन्स किसी की बात सुनना, है ना, ये भी एक एक्शन वर्ड है. सो लेट सी द थर्ड वन, दिस वन. यहाँ पर भी हमें इन लेटर्स को रीअरेंज करके कुछ वर्ड्स बनाने हैं या एक वर्ड बनाना है, ठीक है. एक वर्ड तो एटलीस्ट बनाना ही है जो मीनिंगफुल वर्ड हो. सो इन लेटर्स से जो वर्ड बनेगा वो होगा एल ए यू जी एच, लाफ. लाफ मीन्स हंसना, ठीक है. ये यहाँ पर एल है, ए है, U है, G है एंड H भी है, ठीक है. फोर्थ वाला क्वेश्चन है L E S P E. तो इससे भी कई सारे मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, बट जो अभी दिमाग में आ रहा है, अगर आपके माइंड में कोई और वर्ड हो मीनिंगफुल तो आप वो भी राइट कर सकते हो. बट इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो है स्लीप, S L E E P, sleep. Okay. Fifth question is A W C T H. इससे क्या वर्ड बन सकता है? बहुत बेसिक सा कुछ डूइंग वर्ड बन रहा होगा, तो इससे बनेगा डूइंग वर्ड watch. Watch means देखना और sleep means सोना, ये तो हमें पता ही है, है ना. और ये जो सिक्स्थ वर्ड है ये क्या होने वाला है, इससे क्या बन सकता है, एच यू एस ओ टी,
क्या वर्ड बन सकता है इससे? इससे बनेगा शाउट, SHOUT। शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, ठीक है। जब हम किसी पे गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा करते हैं तो हम चिल्ला देते हैं, कभी कभी शाउट कर देते हैं, शाउट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। हमको अंडरलाइन करना है डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ब या वर्ब्स इन सेंटेंसेस में। वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर हमें ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है। एंड इन ये जो सेंटेंसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर हमें इनको रीड करना है और इसमें कौन सा डूइंग वर्ड है उस पर अंडरलाइन करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी किया हुआ है। डॉक्टर वर्मा डॉक्टर वर्मा क्या करते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, एग्जामिन्स द पेशेंट, ठीक है। डॉक्टर वर्मा एग्जामिन्स द पेशेंट मतलब देखते हैं पेशेंट्स को। डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट को देखेगा, है ना, कि क्या बीमारी है, कैसे ठीक हो सकती है, यही करेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज नेहा स्क्वीजेस द लेमन्स इनटू द जग। सो नेहा क्या कर रही है, लेमन्स हैं उनको जग में स्क्वीज कर रही है, ठीक है। स्क्वीज मींस निचोड़ रही है, जो उसका जूस है वो निकाल रही है। द एक्ट ऑफ टेकिंग आउट द जूस इज कॉल्ड स्क्वीजिंग। सो यहाँ पर स्क्वीज जो हो जाएगा वो हो जाएगा डूइंग वर्ड, बिकॉज वो एक एक्शन है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेन रंबल्स थ्रू द टनल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द ट्रेन रंबल्स थ्रू द टनल मीन्स ट्रेन जो है वो रंबल करती है, रंबल करती है मीन्स गड़गड़ाती है थ्रू द टनल, यानी कि जब वो टनल से निकलती है, टनल क्या होता है, सुरंग जैसी होती है, सुरंग कि अंधेरा अंधेरा सा होता है, दोनों साइड से कवर्ड होता है और राइट एंड लेफ्ट से कवर्ड होगा और फ्रंट से एंड बैक से ओपन होता है टनल, कुछ इस तरह का होता है ना, ऐसा टाइप का, जैसे कि टनल है ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ इसके अंदर से अगर ट्रेन निकलेगी तो आवाज़ आती है बहुत तेज़ तेज़, उसको रंबल बोलते हैं, जो आवाज़ आती है। और रंबल्स जो हो गया वो एक डूइंग वर्ड हो गया, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज द चिल्ड्रन प्ले विद देयर टॉयज। चिल्ड्रन अपने टॉयज के साथ खेलते हैं, तो क्या करते हैं चिल्ड्रन, प्ले करते हैं। सो प्ले विल बी अ डूइंग वर्ड, प्ले हमारा डूइंग वर्ड हो जाएगा, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे बिकॉज इट इज़ एक्शन, एक्शन ही तो है ये। देखिए ये जो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये अपने टॉयज के साथ खेल रही है, प्ले कर रही है। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन इज द पुलिस मैन सर्चेस फॉर क्लूज। ओके, सो पुलिस मैन जो है वो सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है क्लूज। क्लूज क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कोई क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, लेकिन अब उस क्राइम को प्रूफ भी तो करना है कोर्ट में कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, तो क्लूज कैसे ढूंढते हैं कि उससे जो सबूत होते हैं, यानी कि क्रिमिनल ने क्राइम कैसे किया है, उसने क्या जरिया अपनाया है, उसने क्या टूल यूज़ किया है, तो ये क्लूज होते हैं जिससे प्रूफ हो सके कि क्रिमिनल ने क्राइम किया है या चोर ने चोरी की है। यहाँ पर सर्चेस यानी कि ढूंढना एक एक्शन हो जाएगा और ये एक डूइंग वर्ड है, इसलिए ऑल्सो अ एक्शन वर्ब, ठीक है, एक्शन भी है ये एक सर्च करना। व्हाट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, द रॉकेट ब्लास्ट ऑफ इनटू द स्काई। सो रॉकेट जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट मीन्स फट जाता है, रॉकेट जा रहा है स्काई में और वो सडनली धुआं धुआं करके ब्लास्ट हो जाता है। सो ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर हमारा वर्ब हो जाएगा, डूइंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखो, ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनको देखना है।
कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल डूइंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट दीज चिल्ड्रन डू एवरी डे. सो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सेंटेंसेस गिवन हैं, जैसे कि यहाँ ये और भी आगे. इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है इन पिक्चर्स के थ्रू. इन पिक्चर्स में जो भी बॉय एंड गर्ल कर रहे हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है उस पिक्चर में. आपने पिक्चर कॉम्पोजिशन किया है, थोड़ा थोड़ा उसी तरह का है ये. इसमें पिक्चर को देखना है और आपको एक लाइन में बताना है, ओनली वन सेंटेंस आपको राइट करना है कि पिक्चर में क्या हो रहा है. जैसे कि फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए आप, ये जो गर्ल है ये कुछ ड्रिंक कर रही है ना, ऐसी तो ड्रिंक करते हैं. तो गर्ल ड्रिंक कर रही है, तो हमने लिखा है अनु ड्रिंक्स अ बॉटल ऑफ लेमनेड एवरी डे. यानी कि अनु ड्रिंक करती है बॉटल ऑफ लेमनेड, लेमोनेड की एक बॉटल एवरी डे, हर रोज़ लेमोनेड ड्रिंक करती है. सेकेंड वाले पिक्चर में ये देखिए, ये बॉय है, ये यहाँ पर स्लिप कर रहा है, खेल रहा है पार्क में. तो हमने लिखा है यहाँ पर जो राजू है वो क्या कर रहा है, राजू प्लेज इन द पार्क एवरी इवनिंग. आप लोग भी पार्क में जाते होगे खेलने के लिए, है ना, इवनिंग में जाते होगे, मॉर्निंग में भी जा सकते हैं पार्क, ठीक है. तो राजू इवनिंग में प्ले करता है. वैसे ही जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड पिक्चर को देख के हमें उसे कंप्लीट करना है. और वो जो थर्ड सेंटेंस है वो हम कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी हमें पिक्चर को देख के समझ में आ रहा है. तो अनुज क्या कर रहा है थर्ड वाली पिक्चर में, इस पिक्चर में अनुज क्या कर रहा है, ही इज़ फ्लाइंग द काइट. ओके, सो हम यहाँ पर लिख देंगे थर्ड वाले सेंटेंस में, अनु इज़ फ्लाइंग द काइट, है ना. अनु, या फिर हम लिख देंगे अनु फ्लाइज काइट एवरी डे, क्योंकि हमें एवरी डे पर लिखना है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ऐसी एक्टिविटीज़ बतानी है व्हाट दीज चिल्ड्रन डू एवरी डे, जो एवरी डे करते हैं. ओके, सो फोर्थ सेंटेंस हमें क्या बनाना है, अर्जुन के ऊपर बनाना है. अर्जुन क्या कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है ना. ये स्केट शूज़ हैं, इनके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं. शूज़ में क्या होता है कि व्हील्स लगे हुए होते हैं, और ये हेलमेट भी पहने हुए हैं ताकि अगर ये गिरे तो इसको सर पे चोट ना आए. तो हम ये सेंटेंस फॉर्म करेंगे कि अर्जुन स्केट्स एवरी डे, है ना, यही भी लिख सकते हैं. फिफ्थ वाले पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, दिनेश क्या कर रहा है. दिनेश इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, बाइसिकल है ये एक, और ये भी हेलमेट पहने हुए है. जब भी हम बाइसिकल या फिर बाइक या फिर स्कूटर राइड करते हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि ताकि अगर मान लो हमें कुछ चोट लग जाए तो हमारे सर पर चोट ना लगे. बिकॉज़ जो हमारा हेड होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, और अगर उस पर चोट लग गई तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है. सो दिनेश इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिनेश राइड्स बाइसिकल एवरी डे. दिनेश राइड्स बाइसिकल एवरी डे, ये भी लिख सकते हैं. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज अनीता, व्हाट अनीता इज डूइंग इन द पिक्चर, लेट्स सी. ओके, अनीता इज प्लेइंग विथ अ फुटबॉल, और अनीता प्लेज फुटबॉल विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलती है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम इसमें. ओके, तो जो भी सेंटेंसेस हैं हमें उनको प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है, ठीक है. सो व्हाट इज़ इन द एक्टिविटी पार्ट, एक्टिविटी में क्या है,
वर्क इन द ग्रुप्स ऑफ फोर, फोर के ग्रुप में आपको वर्क करना था ये एक्टिविटी करने के लिए. मेक अ लिस्ट ऑफ डूइंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स गिवन है आपको और आपको उनसे वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है, सम हैव बीन डन फॉर यू, और कुछ वर्ड्स आपको गिवन हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं 1 to Z, और इनसे आपको कुछ एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड फॉर्म करने हैं. ठीक है, और कुछ यहाँ पर गिवन है, तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल यहाँ देखेंगे, बाकी का आपको सॉल्यूशन PDF में मिलेगा. ठीक है, हम सारे वर्ड यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आप कुछ वर्ड्स को ट्राई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे PDF में अगर आपको नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ आप खुद से ट्राई करेंगे. ओके, जैसे कि A से इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है अराइव, B से क्या हो सकता है डूइंग वर्ड, या C से क्या हो सकता है, D से क्या हो सकता है, D से हो सकता है डांस, है ना, डांस एक डूइंग वर्ड है. डांस में क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसको हम वर्ब या डूइंग वर्ड बोल सकते हैं, तो D से डांस हो गया. ठीक है, डांस होता है, और एक होता है सिंग, ये सिंग मीन्स गाना, तो ये भी एक डूइंग वर्ड है, ये एस से हो गया. और अगर हमें एफ़ से करना है, एफ़ से अगर हमें कोई डूइंग वर्ड करना है तो वो क्या हो जाएगा, फाइट. फाइट मीन्स लड़ाई करना, आप लोग भी फाइट करते हो अपने सिबलिंग्स के साथ. ओके, जी से क्या हो सकता है, जी से हो जाएगा गो, गो मीन्स जाना. तो आप लोगों ने देखा कि डूइंग वर्ड को हम कैसे लिखेंगे. यहाँ पर जो भी आपके दिमाग में डूइंग वर्ड्स आएंगे आपको उन्हें राइट करना है और यहाँ पर लिख देना है, हर लेटर के आगे एक डूइंग वर्ड लिखना है. और अगर आपको ना आए, जब आप कंप्लीट कर लें सारे डूइंग वर्ड्स, तब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं अगर आपको एक दो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया है. आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपने पूरा वीडियो इन्जॉय किया होगा. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर.